हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु में। तो आज हमारे पास एक प्लेजर गाड़ी आई है, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हम बता देते आपको किस तरह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सेल भी हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। और किक देखो, इस तरह से किक मारने के बाद किक ऐसी फ्री जाती है, किक से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मे बी इसमें कंप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हम आपको सिंपल ट्रिक से बताएंगे किस तरह से कंप्रेशन हम इसमें ये गाड़ी का जो सीट खोले बगैर हम इसको बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हम इधर आएंगे राइट साइड में साइलेंसर के ऊपर में यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक कन्वर्टर दिख रहा होगा, एक पार्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वाला। उसके बाजू में एक छोटा सा पाइप रहता है, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा पाइप है, इसको हम निकाल लेते हैं अभी। देखो इस तरह से, देखो पाइप यहाँ से निकाल दिए। अब यहाँ पे हम ऑयल इसमें इंसर्ट करेंगे, ऑयल डालेंगे इसके अंदर। देखो हमारे पास एक कैन है इस तरह की, एक कैन की मदद से हम इसमें ऑयल, हम एक कैन है इस तरह से। तो ये कैन, हम कैन की मदद से हम ये ऑयल इसमें डाल देंगे और हम बस के बाद में देखेंगे गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है। इसमें लगा देते भाई, इसको एक कॉम्प्रेशन गाड़ी का छोड़ देने की वजह से हो जाता है, इस तरह से दिक्कत आती है गाड़ी में। अभी हम स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी। तो फ्रेंड देखो, इस तरह से गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। कंप्रेशन गाड़ी छोड़ देती है, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इस तरह की समस्या गाड़ी से आती है। तो गाड़ी से थोड़ी देर के लिए इस तरह से धुआं आएगा, ये देखो। थोड़ी देर के लिए गाड़ी से धुआं आएगा ताकि जब तक कंबक्शन चैम्बर में ऑयल जलेगा तब तक के धुआं आएगा साइलेंसर में से। तो इस तरह से कंप्रेशन की समस्या आती है गाड़ी में, चलते चलते गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखे, वीदियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड, इस तरह से समस्या आती है। फिर से एक बार आपको पार्ट दिखा देते, कौन सा पार्ट से आपको ओपन करना है। यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक पार्ट है साइलेंसर के ऊपर में, ओके। और यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा होगा आपको एल्यूमिनियम का, उसके पीछे साइड में, इस साइड में यहाँ पे पाइप रहता है, उसको खींच ले इस तरह से, ओके। और इसमें ऑयल डाल दे। आपके घर में एक छोटा सा कुछ भी, जो भी सर में लगाने वाला तेल होगा उसके बॉटल में डाल के आप भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऑयल डालना है, इंजन ऑयल डालना है हमको, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ओके।